ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा के अनादि संस्कार कौन कौन से? कौन बताएंगे? अनादि संस्कार कौन कौन से? जब हम परम धाम में हैं तो हमारे संस्कार कौन कौन से होते हैं? शांति, पवित्रता, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, ज्ञान। सातों गुण और आठों शक्तियां, ये आत्मा के अनादि संस्कार है। ठीक है कि नहीं? परम धाम में ये संस्कार कैसे दिखाई देंगे? जो साकार में आएंगे तो दिखाई देंगे ना? हाँ, इनका इनका प्रैक्टिकल रूप केवल इस संसार में दिखाई देगा। सूक्ष्म वतन और परम धाम में इनका कोई मतलब नहीं। अनादि संस्कार में उस समय तो इमर्ज तो पता नहीं चलेगा भाई जी, तो सिर्फ कहा जा सकता है कि अनादि संस्कार आत्मा में रहते हैं, परंतु समय पर इमर्ज और मर्ज होते रहते हैं। बस, और कहीं नहीं जाते। आत्मा के अनादि संस्कार, जो आत्मा के संस्कार हैं, जो कभी भी खत्म नहीं होते, केवल इमर्ज से मर्ज हो जाते हैं, फिर बाबा आकर उन मर्ज संस्कारों को इमर्ज करने की विधि सिखाते। तो अनादि संस्कार सात गुण, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, सुख और आठवां है शक्ति। सातवां शक्ति, सात हो गई है, और आठ गुण है। तो हमने इस प्रकार से इन गुणों को भी अपने जीवन में धारण करना है। इस गुण के अभाव में बहुत नुकसान ही होता है। कि अभाव का मतलब ही है अज्ञानता, अभाव का मतलब ही है रहित होना। ठीक है, तो और अच्छी तरह से हमें समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।